नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे आम और हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार। तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं और गलाने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही बन जाता है ये। तो आइए बनाते हैं इस अचार को। तो इस इंस्टेंट अचार के लिए देखिए, मैंने एक पाव हरी मिर्च ली है, ये ज़्यादा तीखी नहीं है, और इन्हें इस तरह से काट कर मैंने दरदरा मिक्सी में पीस लिया है। आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं या बारीक काट कर यूज़ कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा तीखी मिर्चियाँ नहीं है ये। और मैंने सेम क्वांटिटी में एक पाव कच्चा आम लिया है और उसे छील करके कस लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से मिर्च और आम को तैयार कर लिया है। सूखे मसालों में देखिए, मैंने 3 छोटे चम्मच सौंफ ली है, 1 छोटी चम्मच मेथी है और 1 छोटी चम्मच सरसों है। इन तीनों को हमने मिक्सी में दरदरा पीस लिया है इस तरह से। तो ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं किया है। और इसके अलावा सूखे मसालों में ये देखिए, 1 छोटी चम्मच जीरा है, 1 छोटी चम्मच कलौंजी और 1 बड़ी चम्मच मैंने कुटी मिर्च ली है। आप ये ही लें, अगर नहीं है तो आप पीसी मिर्च लें। थोड़ी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक है और तड़के के लिए हींग है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो मैंने देखिए, कढ़ाई में 400 ml लगभग तेल लिया है सरसों का। इसे गर्म कर लेना है अच्छे से, और उसके बाद इसमें हम हींग का तड़का लगाएंगे और जीरा और कलौंजी डालेंगे। इसके बाद इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे और इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना है हरी मिर्च को हमें, क्योंकि गली हुई हरी मिर्च का ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और इसमें हम कैरी डाल देंगे, इसे भी हम मिला लेंगे अच्छे से। और यहाँ पर गैस को हम बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसे ज़्यादा कुक कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा टेस्टी ऐसे ही लगेगा कि हल्का सा गर्म तेल में इसे बंद कर दें। और अब यहाँ हम सारे सूखे मसाले डाल देंगे। नमक डाल दिया, मिर्च, हल्दी और जो हमने पाउडर तैयार किया था सौंफ, सरसों और मेथी का, ये डाल के हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो इसे आप थोड़ा सा कुक करके खा सकते हैं, या फिर आप एक जार में बंद कर दीजिए, थोड़ा ऑयल और डाल दीजिए जिससे ख़राब ना हो, या फिर 3-4 दिन, वैसे भी ये कुछ दिन ख़राब नहीं होगा, तो आप इसे बाहर रख कर यूज़ कर सकते हैं। ये इंस्टेंट अचार है, पूरे साल भर का नहीं है, पर ये कुछ दिन ख़राब नहीं होगा और बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए, थोड़ी देर में ये तेल छोड़ देगा ये, और इसे आप डेली चटनी की तरह, अचार की तरह खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।